जय श्री राधे। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के गुणों का, लीलाओं का, उनके चरित्रों का अध्ययन मनन कीजिए, अध्ययन मनन कीजिए और नाम का जप कीजिए। भगवान की चाह अपने आप बढ़ती जाएगी। जहाँ नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों, वहाँ जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संकीर्तन के समय अपनी आँख मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूँ और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज़ आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज़ है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता। परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। जय श्री राधे।